सरता दे मुख तो गुंजन लगती है। संगतां प्रवेश करदियां हन तां दिन पहले दी चौंकी दा कीर्तन पुरिया हुंदा है। इस तो उपरंत आसा जी दी वार दा कीर्तन आरंभ हुंदा है। किवार खुलण तों 2 घंटे बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पालकी श्री हरिमंदर साहिब विच प्रवेश करेगी। कोठा साहिब विच पावन भीड़ दी तैयारी हो रही है। संगतां दे हिरदे महाराज दी सवारी दे दीदार करन लई बहबल हन। नैन महिंजे तरसते कद पसी दीदार वाला माहौल है ते फिर वो वड़पागा पानौदा है। नगारे की चोट बजती है। ग्रंथी साहब मथा टेक के कोठा साहब विच प्रवेश करते हैं। अरदास करन तो बाद पावन भीड़ उन्होंने सिर उत्ते टिकाई जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पिछे पिछे धीमी तौरे संगत हरिमंदर साहब वल तुरती है। कोठा साहब तो अकाल तख्त साहब आके पावन भीड़ तो पालकी विच सुशोभित किया जाता है। फुला दे सिरे सजाए जाते हैं। पालकी लेके संगत श्री हरिमंदर साहब वल चल पैंदी है। वारी वारी पालकी हेठ मोटा दे के संगत विच शामिल लोग अपने आप नूं वड़पाका समझते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी विच प्रवेश करन तक श्री अकाल तख्त साहब दे नगारा वजदा रहता है। नगारे की धुन बंद होंदे सार ही आसा जी की वार का कीर्तन सुनाई देन लग पैंदा है। पालकी श्री हरिमंदर साहिब के द्वार ते आ जाती है। उसनू सत्कार नाल अंदर ले जाया जाता है। इस दौरान आसा जी की वार का कीर्तन कुछ समय लिए रुक जाता है। संगत सत्कार विच खड़ी हो जाती है ते कठिया सतनाम वाहिगुरु की धुनी का जाप करती है। इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ नूं सत्कार सहित मंजी साहिब ते सुशोभित कर दिता जाता है। संगत फतेह बुलाती है। ग्रंथी साहिब ताबिया विच बैठ जाते हैं ते संगत पहला वांग सज जाती है। सवैया दे पाठ दे नाल ही प्रकाश करन दी विधि शुरू हो जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश होण उपरंत वाक लिया जाता है। वाक नूं गुरु दे फरमान जां हुकमनामे दे तौर ते ग्रहण कीता जांदा है। हुकमनामे तो उपरंत अरदास कीती जांदी है ते जिथे वी किते कोई अरदास दी आवाज सुनदा है हाथ जोड़ के श्रद्धा सहित खड़ा हो जांदा है। अरदास तो बाद कड़ा प्रसाद दी देख वरताई जांदी है ते आसा जी दी वार ते कीर्तन दा पुनरारंभ हुंदा है। उस दी समाप्ति उपरंत अरदास हुंदी है ते अमृत वेले दा मुख वाक फिर पढ़िया जांदा है। इस उपरंत सारा दिन कीर्तन का पावन प्रवाह चलता है जिस विच गुरु ग्रंथ साहिब दसम पातशाह भाई गुरदास ते भाई नंदलाल जी की रचना तो बिना किसी होर रचना का कीर्तन नहीं होता। दूरों नेड़ियों संगतां हुम हुमा के सिखां दे सब तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान ते आउंदियां। जोड़े खाने विच अपने जोड़े जमा करवा के सजरे वगदे पानी विच पैर धो के परिक्रमा विच प्रवेश करदियां हन। परिक्रमा जिस विच दुख पंजनी बेरी तो इलावा वो मुकद्दस बेरी भी है जिस दे हेठ बैठ के बाबा बुढ़ा जी श्री हरिमंदर साहब की उसारी की देख रेख करते होंगे सन। परिक्रमा जिस विच बाबा दीप सिंह जी की लासानी बहादुरी सिदक ते गुरु दर दे प्रेम की पावन यादगार स्थित है। परिक्रमा दे चौहां कोनिया विच शीतल जल दियां छबीलां हन। सिख इतिहास नाल संबंधित सिख अजायब घर दियां पौड़ियां भी परिक्रमा विचों ही चढ़दियां हन। परिक्रमा दे नाल ही स्थित हन वो इतिहासिक बुंगे जिहड़े उन्हां समयां दी याद कराउंदे ने जदों दल खालसा दी अगवाई विच सिख मिसलां खालसे दी राजसी खुदमुख्तियारी लई जूझ रहियां सन। इस पावन परिक्रमा तों गुजरदियां श्री हरिमंदर साहिब विच हो रहे कीर्तन दी मधुर धुन सारे दृश्य नूं इलाही रंगन विच रंग देती है।
नीले अमृत सरोवर विच श्री हरिमंदर साहिब दा सुनहरी अक्स सतगुरां दे प्रेम विच भिज रहीआं रूहां नूं अलौकिक सकून दिंदा है। अमृत सरोवर दा इशनान वजूद नूं तरंगित कर दिंदा है। कड़ाह प्रसाद की महक अंत दे दैवीपन दी प्रतीत करवाउंदी है। दर्शनी ड्योढ़ी विच दाखिल हो के श्री हरिमंदर साहिब दे पावन धरां ते मत्था टेकण दे पल विस्मान ते प्रेम विच रंगे हुंदे हन। श्री हरिमंदर साहिब की नितनेमी मर्यादा तो इलावा गुरु साहिबान नाल संबंधित गुरपुरब ते कुछ होर इतिहासिक दिहाड़े बहुत श्रद्धा ते उमा नाल मनाए जाते हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु तेग बहादुर जी ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश उत्सव ते गुरु हरगोबिंद जी के गुरगद्दी दिवस के मौके पर श्री हरिमंदर साहिब विखे जलौ सजाए जाते हैं, जिन्हां विच तोशाखाने तो लियांदियां कीमती वस्तुआं दे दर्शन करवाए जांदे हन। हर रोज गुरु दा अटुट लंगर वरतदा है। सब जातां धर्मां इलाकियां दे लोग एक कतार विच बैठ के प्रशादा छकदे हन। संगतां लंगर दी सेवा करके अपने आप नूं वडभागी समझदियां हन। बुधवार अते ऐतवार श्री हरिमंदर साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी के सामने सुशोभित श्री अकाल तख्त साहिब विखे अमृत अभिलाखियां नूं अमृत छकाया जाता है। श्री अकाल तख्त के सन्मुख हर रोज ढाडी वारां गाउंदे हन। ढाडियां दे गाउण दा समां सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक दा नियत कीता होया। ढाडियां ते रागियां दा संबंध मीरी पीरी दे प्रसंग विच समझिया जा सकता है। सिख पंथ विच मीरी अते पीरी दी सांझ है, पर नाल दी नाल ए भी समझाया गया है कि पीरी दा दर्जा मीरी तो उच्चा है। अकाल तख्त साहिब दे कोल मीरी पीरी दे निशान साहिब भी इस गल दी शादी करदे हन। मीरी दा निशान साहिब पीरी दे निशान साहिब तो नीवा है। श्री हरिमंदर साहिब की परिक्रमा विचों ही गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल वल रस्ता जाता है, जिथे हर रोज दीवान सजता है ते कीर्तन उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन हुक्मनामे की कथा की जाती है। इसके कोल ही सिख गुरुद्वारों का प्रबंध चलाने वाली प्रमुख सिख संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर का दफ्तर है। दूर दराज तो आईया संगतों के निवास लई सरावां बनिया हुई हैं। सिख इतिहास के खोजियां वास्ते सिख रेफरेंस लाइब्रेरी ते समूह संगत लई पब्लिक लाइब्रेरी भी इत्थे ही स्थित हैं। इस तो कुछ दूरी ते ही श्री बाबा अटल दा अस्थान सुशोभित है। इस धरती दा जर्रा जर्रा प्रेम कुर्बानी ते श्रद्धा दे रंग विच रंगिया होया है। पावन शब्दां ते सुरां दीआं तरंगां निस्तिन तन मन नूं हरियावली करदीआं हन। अमृत वेला सवेरा दोपहर ते फिर शाम हो जाती है। रहरा साहिब दा पाठ हुंदा है, फिर आरती दा कीर्तन, उस उपरंत अकाल तख्त साहिब विखे शस्त्रां दा जलौ दिखाया जांदा है। आसमान ते तारे जग पैंदे हन। कीर्तन दा प्रवाह निरंतर चलदा रहिंदा है। अरदास उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी सवारी रुत अनुसार लगभग 10 जां 11 बजे कोठा साहिब विखे लियाई जांदी है। उसे अपार श्रद्धा ते उमा नाल जिहड़ा उमा ते उत्साह अमृत वेले कोठा साहिब तो रवानगी वेले विद्यमान सी।